हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिकविजन के NVR के बारे में जानेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमने एक 32 चैनल का NVR लगाया है और हमारे पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक मॉनिटर लगा हुआ है और इस मॉनिटर को हमने HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। बट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सिर्फ हिकविजन कर आ रहा है, बट मेरा एक भी कैमरा यहाँ स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई आप भी इस टाइप का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशंस क्या है और हम इसको शॉर्ट आउट कैसे करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मेन मेनू के अंदर जाना है। जैसे ही आप मेन मेनू करेंगे, आपको अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो पासवर्ड लॉगिन करने के लिए पूछेगा। जो भी आपका लॉगिन यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसके थ्रू आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो इस टाइप से आपको 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क, तीसरा कैमरा, चौथा है इवेंट और पांचवा जो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रहा है ये रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको पहला वाला जो ऑप्शन है सिस्टम, वो सिस्टम के ऑप्शन के अंदर जाना है। सिस्टम के अंदर के ऑप्शन जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है जनरल, लाइव व्यू, यूजर। तो आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है लाइव व्यू का, उसके अंदर जाना है। तो चलिए हम लाइव व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। लाइव व्यू के आपके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में टॉप में आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, जनरल, व्यू और चैनल 0। तो आपको जो ये सेंटर वाला दूसरा वाला जो ऑप्शन है व्यू का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेटिंग है आउटपुट इंटरफेस करके, आपको इस चीज को याद रखना है, आउटपुट इंटरफेस। तो चलिए हम इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि जब आप VGA के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से उसकी मॉनिटर की जो सेटिंग होती है और HDMI की जो होती है सेटिंग। तो अगर हम VGA के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे कि VGA के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर सारे चैनल के ऊपर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अप टू 32 हमारा NVR का चैनल है। तो ये सारे 32 चैनल्स दिखा रहे हैं और सारे चैनल्स के ऊपर कुछ ना कुछ कैमराज ऐड है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे D5, D1, D4, D6, D16 तो ये सारे कैमराज हैं। अगर हम HDMI के तरफ चलते हैं, अगर HDMI के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 32 चैनल है, इसके ऊपर एक भी कैमराज ऐड नहीं है। आप देखिए सिर्फ यहाँ पर प्लस का सिंबल दे रहा है, बट यहाँ पर एक भी कैमरा ऐड नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर आपकी कैमराज की लिस्ट है। जो भी कैमरा आपको यहाँ पर ऐड करना है आप उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर ऐड कर सकते हैं, या फिर कभी कभी आपका सपोजर चैनल नंबर 1 के ऊपर कोई कैमरा आ रहा है, सपोजर कैमरा नंबर 5 आ रहा है और चैनल 2 के ऊपर कैमरा नंबर 10 आ रहा है, तो अगर आपको चेंज करना है चैनल नंबर 1 के ऊपर कैमरा 10 को और चैनल नंबर 2 के ऊपर कैमरा नंबर 5 को, तो वो भी सेटिंग आप यहां से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 कैमरे को ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर कैमरा आता है कि नहीं। चलिए एक बार हम फिर भी लाइव व्यू के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी भी आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक भी कैमरा नहीं आ रहा। चलिए हम जल्दी से फटाक से चलते हैं और इस सेटिंग को करते हैं। सिंपली आपको लाइव व्यू के अंदर आना है, व्यू के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया, और व्यू में आपको यहाँ पर HDMI सेलेक्ट, क्योंकि हमने HDMI VGA के केस में हमारा कैमरा आ रहा है बट HDMI जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा कैमरा नहीं आ रहा है। तो चलिए हम HDMI की सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हम 1 पे कैमरा नंबर 1 को यानी D1 को हमने ऐड किया है, 2 पे हम D2 को ऐड कर लेते हैं, 3 के ऊपर हम D3 को ऐड कर लेते हैं, 4 के ऊपर हमारा D4 आ जाएगा, 5 के ऊपर हमारा D5 आ जाएगा एंड 6 के ऊपर हमारा D6 आ जाएगा, 7 के ऊपर D7, 8 के ऊपर हमारा D8 आ गया, 9 के ऊपर हम D9 को ऐड कर। आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चैनल को। यहाँ पर हम सीरियल नंबर वाइज ही कर रहे हैं, 10, 11 के ऊपर 11, 12 नंबर के ऊपर 12 हम ऐड कर रहे हैं, 13 के ऊपर 13, 14 के ऊपर 14, 15 के ऊपर 15, 16 के ऊपर 16 यहाँ ऐड हो गया, 17 के ऊपर 17, 18 के ऊपर हमारा यहाँ पे 18 ऐड हो गया, 19 के ऊपर हम 19 को ऐड कर लेते हैं, 20 के ऊपर 20 को ऐड कर लेते हैं, 21 के ऊपर 21 को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल हमारा जो है 32 कैमराज है इस NVR के अंदर लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें 1 बाय 1 सारे कैमराज को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये हमारा 24 हो गया एंड देन 25 एंड देन यहाँ पर हमारा 26 देन 27 28 29 30 अब हमारा लास्ट का 2 बचा है
सॉरी यहाँ पर 29 के ऊपर हमें 29 यहाँ पर थोड़ा देखिए गड़बड़ अभी यहाँ पर 29 के ऊपर 31 आ गया है, तो हमें 29 के ऊपर 29 ही सेलेक्ट करना है। तो सिंपली हम उस चैनल के ऊपर जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो कैमरा आ जाएगा। 30 के ऊपर हमें D30 को ऐड करना है, तो ये देखिए आ गया। 31 के ऊपर हमें D31 को ऐड करना है एंड 32 के ऊपर D32 को। ये सारे कैमराज जो है हमने सारे चैनल के ऊपर ऐड कर लिया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सारे ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ देखिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया और अप्लाई हो गया। तो चलिए अब हम मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम सिंपली यहाँ से लाइव व्यू के ऊपर आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, HDMI केबल हम कनेक्ट कर रहे थे बट हमारे स्क्रीन के ऊपर कैमरा नहीं आ रहा था। तो ये बेसिकली इसकी ये सेटिंग होती है। आप ये सेटिंग करके बहुत ही आसानी के साथ आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक नई इंटरेस्टिंग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।